चौकीदार चौकीदार चौकीदार। राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब तक इसी अंदाज में बोलते रहे हैं। अब सरकार की सहयोगी और एनडीए पार्टनर शिवसेना भी इसी स्लोगन से राफेल पर हमला करने लगी। कल पंढरपुर में शिवसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर राहुल के नारे से अटैक किया। पण ज्या सैन्यासाठी तुम्ही विमान खरेदी करताना सुद्धा त्याच्यामध्ये घोटाळा होतोय, राफेलचं काम जसं अनुभव नसलेल्या कंपनीला दिलं गेलं, काय कोणाचा काही संबंध नव्हता। महाराष्ट्र के पंढरपुर रैली में शिवसेना प्रमुख इतने पर नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर पर भी मोदी सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा कि बेरुखी और बर्दाश्त की एक सीमा होती है। कुंभकर्ण झोपला है, त्या कुंभकर्णाला जागा करण्याची आज आवश्यकता आहे। त्या कुंभकर्णाला जागा करण्यासाठी मी अयोध्येला गेलो होतो। आज सुद्धा मी पंढरपुरामध्ये त्यासाठी आलेलो आहे की झोपलेल्या कुंभकर्णाला जागा करण्यासाठी आलेलो आहे। की कुंभकर्णा तू जरी झोपला असलास तरी देशातला तमाम हिंदू जागा आहे, हिंदू झोपलेला नाही, हिंदू झोपू शकत नाही, राम मंदिर बांधल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही। पांच राज्यों में बीजेपी की करारी हार के बाद शिवसेना का रुख काफी बदला है। शिवसेना जहां राहुल गांधी की तारीफ करती नहीं थक रही, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राहुल गांधी जरूर देश के नेता बन गए हैं, राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। उनकी जो विचार है चाहे हमें पसंद करे या ना करे। तो क्या 2019 से पहले बीजेपी को एक और झटका लगने जा रहा है? पहले चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने विरोधी खेमे का रुख किया, और शिवसेना के मौजूदा तेवर से तो यही लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जोर का झटका धीरे से न लग जाए। राज ठाकरे आंखें तरेर ही रहे हैं, उनके भाई उद्धव भी दो दो हाथ के मूड में हैं।